यहाँ के हमारे लोकल एमएलए संधु जी और सभी सम्मानित अतिथिगण और साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको भावादस के 60वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैंने पहली बार भावादस के उद्देश्यों को पढ़ा तो मन को बड़ा सुकून हुआ। सुकून इसलिए हुआ जब मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि हमारे देश में दलित पिछड़े आदिवासी वो इतने पीछे क्यों रह गए, तो मुझे पता लगता है क्योंकि हमारे समाज में लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद में ग्रसित हैं। दूसरा कारण हमारी बदहाली का, जब मैं उसके कारण खोजता हूं कि हमारी बदहाली के कारण क्या है, हमारे लोग व्यापारी क्यों नहीं बन पाए, हमारे लोग दुनिया में जमीनों के मालिक क्यों नहीं बन पाए, हमारे लोग संपत्ति के मालिक क्यों नहीं बन पाए, जब मैं इसका कारण खोजता हूं तो जो शास्त्रों में और मनुस्मृति को पढ़ने के बाद मुझे उसके कारण का पता चला, क्योंकि देश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, अगर मैं उनको उनके इतिहास की बात करूं तो उनको लगभग 3,500 साल तक उनके पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, उनके संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। अब आप जरा सोचो, जिसको ज्ञान अर्जित करने पर बंदिश लगा दी जाए, पढ़ने लिखने पर बंदिश लगा दी जाए, जिसको ज्ञान ही नहीं मिलेगा, उसको अच्छे बुरे का एहसास भी नहीं होगा, वो कभी भी ये नहीं जान पाएगा कि उसका शोषण हो रहा है, उसके हक अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है। तो ये जो ज्ञान पर बंदिश थी, इसी के ऊपर ज्योतिबाराव फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम लोग गरीब और मजदूर और गुलाम हो गए। तो ये जो हमारे समाज का हजारों साल तक शोषण हुआ, इसका एक ही कारण था कि हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर ज्ञान अर्जित करने पर लगातार 3,500 साल तक बंदिश रही। इसी वजह से हमारे लोग, चूंकि हमारे व्यापार करने पर भी बंदिश रही, हमारे संपत्ति रखने पर भी बंदिश रही, इसीलिए हमारे लोग ना तो व्यापारी बन पाए, ना ही वो जमीनों के जायदाद के मालिक बन पाए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो जल जंगल जमीन है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो वो तमाम तरह की पदार्थों की खाने हैं, तो ये प्रकृति से पैदा होता है, जमीन से पैदा होता है, उससे अरबों खरबों रुपए पैदा होता है, तो क्या ये जल जंगल जमीन कोई अपने मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है क्या? कुछ ही लोग जमीनों के मालिक क्यों है? हमारे समाज के लोग जमीनों के मालिक क्यों नहीं है? हमारे लोग व्यापारी क्यों नहीं है? हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज क्यों नहीं बन पा रहे? हमारे लोग सत्ता के अंदर बेशक से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दिए अधिकार की वजह से हम लोग एमपी एमएलए ग्राम प्रधान निगम पार्षद यहां तक कि मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन ये आरक्षण नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रतिनिधित्व है। हमारे लोग जो जीत के संसद के अंदर विधानसभाओं के अंदर जाते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जाए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के हक अधिकार की बात को संसद और विधानसभाओं में मजबूती के साथ उठाएं, वो सरकारों को प्रेशराइज करें कि आपको हमारे समाज के विकास की योजना बनानी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सांसद और विधायक वो समाज का प्रतिनिधित्व करने की बजाय वो कुर्सी पे बैठने के बाद गुलाम बन जाते हैं, वो समाज की लड़ाई को लड़ते नहीं है, वो समाज के होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ जिस तरह उन्हें आवाज बुलंद करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, वो सरकारों को प्रेशराइज करके समाज के विकास की योजना भी नहीं बनवा पाते। और सबसे ज्यादा दुखदायी तो यह है कि हमारे समाज के लोग नशे से ग्रसित है, शराब पीने वाले लोगों में जो शराब पी के बर्बाद हो जाते हैं, जिनका लीवर खराब हो जाता है, जवानी में डेथ हो जाती है, अगर उसके आंकड़े देखे जाए तो सबसे ज्यादा नशे की वजह से बर्बाद होने वाले लोग हमारे समाज के लोग मिलेंगे। सबसे ज्यादा
जो कावड़ लेने जाते हैं, जो धर्म कर्म के काम में लगे रहते हैं, जो अंधविश्वास पाखंडवाद में लगे रहते हैं, अगर उनकी आप सूची बनाओगे तो उसमें साथ सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे। तो आपको सोचना चाहिए कि जब सबसे ज्यादा आप धर्म कर्म के काम में लगे हैं तो सबसे ज्यादा तरक्की आपकी होनी चाहिए, आपके घरों में खुशहाली आनी चाहिए, आप व्यापारी बनने चाहिए, आप उद्योगपति बनने चाहिए, आपके शिक्षा के केंद्र होने चाहिए, आप कॉलेजों के मालिक बनने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ तो ना हुआ। तरक्की उनकी हो रही है जो कभी जुलूसों में नजर नहीं आते, तरक्की उनकी नहीं हो रही है जो अंदर एसी रूम में बैठकर जो योजना बनाते हैं, उनकी तो तरक्की होती है, लेकिन जो जुलूसों के अंदर औजार हथियार लहराते हैं, जो दंगों में शामिल होते हैं, जो अंधविश्वास पाखंडवाद में डूबे रहते हैं, उन लोगों की तरक्की नहीं होती। वही लोग दंगों में या तो मारे जाते हैं, और अगर मार देते हैं तो जेल जाते हैं, और उनके माँ बाप प्रॉपर्टी बेचकर उनके केस लड़ने में लगाते हैं। मुझे भावादर्श के उद्देश्यों के बारे में पढ़ के आज इतनी खुशी महसूस हो रही है, अनार्य जी दिल से कह रहा हूं, मैंने जब पढ़ा और मुझे जब मैंने पढ़ के जाना कि अंधविश्वास पाखंडवाद दूर कर किस प्रकार नशे से दूर होकर समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये जो बात आपने भावादर्श के माध्यम से देश के कोने कोने में ले जाकर जो शुरुआत की है, मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन हमें मिलकर एक बात और करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं देखता हूं कहीं भी जुल्म जाति होती है, पूछता हूं जुल्म जाति का कारण क्या है, तो पता लगता है कि हमारे साथ जुल्म जाति जाति की वजह से होती है। यानी अगर जाति ही उत्पीड़न का कारण है, अगर जाति ही जुल्म जाति का कारण है, तो फिर हम लोग जातियों को जिंदा क्यों रखे हैं, फिर हम लोग जातियों को खत्म करके क्यों नहीं करते। जब आदि धर्म की बात करते हैं तो सारी जातियों को खत्म करके एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां कोई जाति के लिए स्थान ना हो। अनुसूचित जाति जनजाति में 6,743 जातियां हैं, जाति की वजह से उत्पीड़न है, फिर भी हम ही लोग जातियों को जिंदा रखते हैं। हम लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते। जब तक हम जातियों को खत्म करके आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, तब तक समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, तब तक समाज मजबूत नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ जुल्म जाति होती रहेगी। क्योंकि अगर जुल्म जाति का कारण जाति है, तो जाति को खत्म करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात एक और मैं कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, जाति कुदरत ने नहीं बनाई। अगर जाति कुदरत ने बनाई होती तो अमेरिका के अंदर भी जाति होती, इंग्लैंड में भी जाति होती, जर्मनी में भी जाति होती, फ्रांस में भी जाति होती, चाइना में जाति होती, जापान में जाति होती, ऑस्ट्रेलिया में जाति होती, न्यूजीलैंड में जाति होती। लेकिन जाति विदेश में नहीं है, जाति केवल भारत में है। और जिन लोगों ने जातियों को बनाया वो जाति की वजह से फायदे में है, और हमारा ये पूरा समाज दलित पिछड़े आदिवासी जाति की वजह से गरीबी की हालत में है, उत्पीड़न झेल रहे हैं। तो हमें ये आदि धर्म का समाज अपने बुजुर्गों के महापुरुषों की जो सांस्कृतिक विरासत है, हमें अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आना होगा, हमें अपने बुजुर्गों के निर्णयों पर गर्व करना होगा, हमें जातियों को तोड़ना होगा, समाज को जोड़ना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस आशा और उम्मीद के साथ कि हमारे जीवन में तरक्की का केवल एक रास्ता है, वो है पढ़ाई। केवल पढ़ लिख कर हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैसे तो सरकारों ने षड्यंत्र के तहत जानबूझ के शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि हमारे हाथ से फिर से शिक्षा छीन जाए, हमारे लोग पढ़ ही ना पाए, और जानबूझकर सरकारी उपक्रमों को बेच दिया। क्योंकि जो हमारा आदमी पढ़ गया, जो रिजर्वेशन की वजह से नौकरी में आ गया, उसकी वजह से हमारे घरों में कुछ खुशहाली आई, तरक्की आई, बोलने की ताकत आई, तो उन्होंने पढ़ाई को महंगा करके हमारे लोगों से पढ़ाई छीन ली, और दूसरी तरफ सारे सरकारी संस्थानों को एक एक करके बेच दिया, यानी हमारी नौकरियां भी छीन ली। ये लोग फिर से हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को फिर से गुलाम देखना चाहते हो? गुलाम तो नहीं देखना चाहते ना? तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है। इसको विचार से लड़ना पड़ेगा, इस लड़ाई को तर्कपूर्ण तरीके से बुद्धि से लड़ना पड़ेगा, तभी हम जाकर दोबारा से पूरी आजादी के साथ आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारे समाज की तरक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, जय वाल्मीकि महाराज की जय।